दोस्तों, आप सभी का सुप्रीम स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने चैनल पर यह जानेंगे कि एसपी कैसे बनेंगे, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, शारीरिक योग्यता, उसका मेडिकल टेस्ट कैसा होता है, सैलरी कितनी होती है, उम्र सीमा कितना होता है, कार्य अवधि क्या होती है, ये संपूर्ण जानकारी। अगर आप एसपी बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक एक बारी बारी करके कि क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एसपी की फुल फॉर्म होती है स्टेट पुलिस, यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो कि हमारे राज्य की सुरक्षा करती है और राज्य के नागरिकों की पूरी हिफाजत करती है। आज हर युवा की पहली पसंद पुलिस अधिकारी बनने की है, पर अगर बात पुलिस उप अधीक्षक बनने की हो तो जुनून और भी बढ़ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस लाइन में कांस्टेबल, एसपी से लेकर आईजी तक बहुत सी पोस्ट होती है, पर इसमें डीएसपी की पोस्ट बहुत ही बड़ी व पावरफुल होती है। यह एक सम्मानजनक नौकरी भी है। एसपी कैसे बने, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि आप किस क्लास में हैं और आप कौन सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अब जानते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो एसपी बनने के लिए शैक्षिक योग्यता, हिंदी में इसे बोलते हैं पुलिस उप अधीक्षक। एसपी बनने के लिए उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास किया होना चाहिए। अब उम्र सीमा जानते हैं। एसपी बनने के लिए उम्र सीमा अलग अलग है, जैसे कास्ट बाय कास्ट है। जैसे जनरल वालों के लिए लगभग 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में, और ओबीसी वर्ग वालों के लिए लगभग उम्र चाहिए 21 वर्ष से 33 वर्ष तक के बीच में। इनके वर्ष में जो एज में है वो कुछ छूट मिला है कि 3 वर्ष ज़्यादा तक आप ओबीसी वाले हैं तो कर सकते हैं। वहीं अगर एससी एसटी को देखा जाए तो इस वर्ग वाले लोग 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के बीच तक या जा सकते हैं एसपी बनने के लिए। अब जानते हैं इनके शारीरिक योग्यता के बारे में। शारीरिक योग्यता में पुरुष की जो ऊंचाई होना चाहिए वह 165 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और एससी ओबीसी के लिए नहीं। नेक्स्ट देखिए, महिला के लिए जो है, महिला 150 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर, एससी ओबीसी के लिए नहीं। मतलब कि एससी ओबीसी के लिए 145 सेंटीमीटर नहीं है ना, उनके लिए क्या है, 150 सेंटीमीटर ही लगेगा, जनरल है या ओबीसी है। छाती की पुरुष की छाती जो होना चाहिए वह न्यूनतम 84 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। वहीं महिला की न्यूनतम छाती जो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर से और विस्तार करने से 5 सेंटीमीटर तक। आँखों की दृष्टि, अच्छी आँखों के लिए 6x6 या 6x9 दूरदृष्टि होनी चाहिए। अब जानते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया कैसा होता है। तो एसपी ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका फुल फॉर्म होता है यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आवेदन जारी किया जाता है। वह साथ ही इसके लिए स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी की परीक्षा करवाई जाती है। अगर आप इस परीक्षा में पास होते हैं तब आगे की आपकी प्रक्रिया होगी। साथ ही तीन तरह की चयन प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर एसपी पद के लिए चयन किया जाता है। जैसे पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम, और तीसरा होता है साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू कहते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वो आवेदन करने के बाद यह पहला चरण होता है। जब आप फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपका जो पहला टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, वह पहला एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है, जिससे सभी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं। जितने भी आवेदन किए रहते हैं उन सभी परीक्षार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। जो ग्रेजुएशन पास है वो सभी इन फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद सभी अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने सेंटर से एग्जाम दे लेते हैं। आगे देखिए दूसरा परीक्षा कैसा होता है। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा।
मुख्य परीक्षा में ये होता है कि दूसरा चरण में वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं। इसमें लिखित परीक्षा होती है। पहला में जो होता है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, दूसरा में होता है आपको लिखित परीक्षा, जैसे कि 10th 12th का आप एग्जाम देते हैं उस तरह से। उसके बाद अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपको एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब हम आगे ये बात करते हैं कि आखिर एसपी की तैयारी करें तो कैसे करें। एसपी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको पिछले सत्र के प्रश्न अच्छे से पढ़ने चाहिए, यानी कि इससे पहले, जैसे कि आप अगर 2020 में यह वीडियो देख रहे हैं तो 2020 से पहले, अगर 2019 में है ना यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, 2018 में, 16 में, 15 में, इन तरह से लगभग 10 वर्षों का पिछले जो है क्वेश्चन उसको आप अच्छे से पढ़िए, किस तरह का क्वेश्चन दिया है या आइडिया आपको सब आएगा, आप उस तरह से फिर तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इससे आपको एसपी की तैयारी के लिए अधिक से अधिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। तीसरा नंबर में है अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर सवाल आपको जीके से ही जुड़े होते हैं। इसके लिए रोजाना अखबार पढ़िए, न्यूज़ देखिए, इससे आपका करंट अफेयर्स मजबूत होगा। साथ ही शारीरिक फिटनेस बनाए रखें, प्रतिदिन योगा दौड़ आदि करते रहें, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम पास हो जाता है, मुख्य परीक्षा आप जब पास होते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपका दौड़ होगा, छाती होगा, ऊंची कूद, लंबी कूद, जो भी होता है उनका फिजिकल होता है, फिजिकल टेस्ट, क्योंकि शारीरिक रूप से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अब जब सारा चीज़ जान ही लिए हैं तो अब ये भी जान लीजिए कि एसपी की सैलरी कितनी होती है। बस भाई, अगर ये वीडियो आपको पूरी देखें या पसंद आया तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैं इस क्लास में हूँ और मुझे यह बनना है, ताकि मैं उस कैरियर के ऑप्शन के बारे में एक नए वीडियो बना सकूँ। अगर आपको भी किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए कि सर हमें वीडियो बनना है ना, एसपी बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्विंस से बनो, पायलट बनना है, तो उसका भी वीडियो हम बनाए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप जैसा कहोगे वैसे तरह का एक वीडियो बना दूंगा। अब एसपी की सैलरी लगभग 37,400 से शुरुआत होती है और 67,000 रुपये तक के बीच में होती है। इसके साथ ही 10,000 ग्रेड वेतन भी होता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।